गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रहा है, बहुत टाइम से आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपना जो है लिपस्टिक कलेक्शन शेयर करूं। तो बेसिकली मेरे लिपस्टिक कलेक्शन में सिर्फ ड्रग स्टोर एंड बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक्स है। तो मेरे कलेक्शन में लिक्विड लिपस्टिक भी है एंड बुलेट लिपस्टिक भी है, तो मैं आज आपके साथ दोनों ही ये शेयर करने वाली हूँ। सो अगर एक वीडियो में सारे लिपस्टिक्स ना हुए, लाइक बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया, तो मैं ये वीडियो को जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, तो आप देख सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड हेल्पफुल रहेगा। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ जो है लिप क्रेयॉन्स एंड बुलेट लिपस्टिक्स दिखाऊंगी, लिक्विड लिपस्टिक जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये पर्पल के लिप क्रेयॉन्स पे। तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो कर रखा है, अब मैं सारे लिपस्टिक का स्वॉच नहीं कर सकती हूँ बिकॉज एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स है। तो मैं आपको सब लिपस्टिक का स्वॉच नहीं बताऊँगी, सिर्फ कुछ कुछ का ही बताऊँगी। एंड अगर आपको स्वॉचेस सारे इसके देखने हैं तो जिस भी लिपस्टिक का मैंने सेपरेट रिव्यू किया है, वीडियो किया है, तो आप वो देख सकते हो। तो उसमें आपको फुल स्वॉचेस एंड सेपरेट रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास दो पर्पल के लिप क्रेयॉन्स है, एक रेड एंड एक जो है न्यूड शेड में। इसका भी रिव्यू है, लिंक जो है मैं नीचे दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली लिंक से जो है रिव्यूज़ एंड स्वॉचेस देख सकते हो। सो नेक्स्ट है ये पर्पल के लिप क्रेयॉन्स, ये भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड बहुत अफोर्डेबल है। तो मैं ये एक शेड जो है स्वॉच कर देती हूँ, कैन सी बहुत ही प्यारा सा शेड है। इसका भी रिव्यू है, लिंक मैं दे दूँगी। और नेक्स्ट है मेरे पास ये नायका की लिपस्टिक, नायका की अल्ट्रा मैट लिपस्टिक इन द शेड ग्रेस। इसका मुझे वीडियो बनाना था, रिव्यू बनाना था, बट टाइम ही नहीं हो पाया। तो लेट्स सी, अगर अभी हो पाया तो मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी। सो या इसकी पैकेजिंग वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने कैसे सेग्रीगेट किया है कि अगर जिस चीज़ की मुझे पैकेजिंग अच्छी लगती है, लाइक दिस क्रेयॉन्स, दिस एंड दिस, तो उस लिपस्टिक्स को मैं पैकेजिंग में ही रखती हूँ। एंड ये जो है ये मेरी काफ़ी अफोर्डेबल वाली लिपस्टिक है। एंड यहाँ पे ज़्यादा करके मेबलिन की एंड थोड़ी सी जो महंगी लिपस्टिक्स है वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली बता देती हूँ, देन ये एंड देन ये। सो ये है नायका की पाउट परफेक्ट लिपस्टिक। इस पर भी वीडियो नहीं है एंड मैं बनाने भी नहीं वाली हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड लॉन्च। लेट मी शो यू अ स्वॉच। ये भी काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है बट ये क्रीमी लिपस्टिक है, इसमें काफ़ी शाइन आता है। तो ये मैट लिपस्टिक नहीं है बट स्टिल आई लाइक इट। एंड इसमें शेड है 06, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो। एंड ये पर्पल की लिपस्टिक है जिसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है इसलिए मैंने इसे पैकेजिंग में ही रखा है। एंड ये एक न्यूड शेड है, जुम्बा पार्टनर मुझे ये याद है। तो अगर आपको इस पे सेपरेट रिव्यू देखना है तो आप देख सकते हो, बट ये मैं लिपस्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट न्यूड शेड है ये। सो चलिए अभी ये बॉक्स पे हम मूव कर देते हैं एंड आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये लिप क्रेयॉन्स ही बता देती हूँ। तो एक जो लिप क्रेयॉन है ये मार्स का लिप क्रेयॉन है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइज एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने शेड है मेरा वो 24 है। नेक्स्ट ये ब्लू हेवन का लिप क्रेयॉन है, इस पर भी मैंने रिव्यू नहीं किया, एक्चुअली मैंने वीडियो करने के लिए ही लिया था, देन मेरे पास एक ही शेड था तो मैंने वीडियो नहीं किया इस पर। इसे वापस जगह पे रख देती हूँ बिकॉज बाद में मुझे असेंबल करने में इसे बहुत प्रॉब्लम आता है। एक ये ADS की लिपस्टिक है, ये जस्ट मुझे एक फूशिया कलर चाहिए था एंड उस टाइम पे मेरे पास कोई था नहीं तो इसलिए मैंने ये ले लिया। इट इज़ अ ओकेश लिपस्टिक, देख सकते हो, बिल्ड करोगे तो आपको अच्छा पिगमेंटेशन भी। ये जो है एक प्रॉपर मैट लिपस्टिक है तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट है ये नेक लाइन की लिपस्टिक, दिस इज़ एन ओकेश लिपस्टिक आई वुड से। ये पता नहीं मैंने क्यों ले रखी थी, लाइक बहुत टाइम पहले ली थी, ऑरेंज कलर की है, ठीक ठाक सी डिसेंट सी लिपस्टिक है ये। नेक्स्ट जो ये दो लिपस्टिक्स है वो है ऑर्गेनिस्टिक की लिपस्टिक, तो ये ऑर्गेनिक लिपस्टिक्स है बट ये मैट नहीं, इसमें 01 एंड 27 शेड है। मैं दोनों का आपको स्वॉच दे देती हूँ क्योंकि इस पर भी कोई ऐसा वीडियो या स्वॉच वीडियो नहीं है।
ये लिपस्टिक गाइस बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, लाइक बहुत ज़्यादा, बट ये जो है ये प्रॉपर लाइक क्रीमी लिपस्टिक्स है, बिल्कुल भी मैट वगैरह नहीं है, तो काफ़ी शाइनिंग शाइनिंग ग्लॉसी लगती है ये, बट अच्छी अगर आप ऑर्गेनिक लिपस्टिक ढूंढ रहे हो बिकॉज यू डोंट वॉन्ट योर लिप्स टू गेट डार्क या फिर हार्मफुल नहीं चाहिए आपको, तो आप ये वाली जो लिपस्टिक्स है वो ट्राई कर सकते हो। ये 300 रुपीज़ ईच थी आई गेस विदाउट डिस्काउंट, तो अगर आपको कोई डिस्काउंट में मिलती है तो इट्स गुड। तो यहाँ पे ये एक लिपस्टिक है, ये ADS की, ये मेरे पास बहुत सालों से है, मैंने बहुत यूज़ की है, पर ये जो शेड है ये मुझे इतना पसंद है ना, तो मैं डेली वेयर वगैरह पे ये शेड यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। अगेन इट्स नॉट मैट, इट्स अ प्रॉपर क्रीमी लिपस्टिक्स बट रियली गुड। नेक्स्ट जो ये दो लिपस्टिक्स है, ये ब्लू हेवन की है, अगेन रिव्यू के लिए ली थी बट कभी हुआ ही नहीं इस पर रिव्यू, ये भी अफोर्डेबल है, ये एक ऑरेंज शेड है। कुछ टाइम पहले आई वॉज ऑब्सेस्ड विथ ऑरेंज शेड्स लाइक रियली, एंड ये एक शेड जो है R008 है ये, एंड इसमें जो है ग्लिटर्स है, इसलिए मैं ये वाला शेड जो है अभी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ग्लिटरी लिपस्टिक्स नहीं अच्छी लगती है, बट मेरी मॉम को वगैरह ये शेड अच्छा लगता है। सो एक ये मेरे पास लैक्मे की 9 to 5 क्रीसलेस लिपस्टिक है, इसका शेड मुझे याद नहीं है, नीचे का स्टिकर निकल गया है तो मैं इसका शेड स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बट ये भी काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। मेरे पास ये एक ही लिपस्टिक है लैक्मे 9 to 5 रेंज की। देन आई हैव दिस NYB लिपस्टिक्स, ये तो आपको पता ही है, आई हैव 3 ऑफ देम, इस पर मैंने रिव्यू किया है प्लस कंपेरिजन किया है मेबलिन एंड कलर बार की लिपस्टिक के साथ, तो आप वो देख सकते हो। देन ये एक लिपस्टिक है, ये है द फैशन फैक्ट्री की, बट इसका पिगमेंटेशन, इसका कलर आई लव इट, ये एक ऑरेंजी टोन रेड शेड है, बट लिप्स पे गाइस ये इतना सुंदर दिखता है ना, ये शेड मुझे इतना पसंद है, इसलिए मैंने ये लिपस्टिक संभाल के रखी है, वरना तो पूरी टूट फूट चुकी है ये लिपस्टिक। फिर मैंने एक लिपस्टिक ये ली थी, ये है केट मॉस की, रिमेल केट मॉस की, बट इसका जो शेड है ये मेरी स्किन पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत ज़्यादा वॉश करता है मेरे को, तो मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है बट लिया था। नेक्स्ट मेरे पास ये 3 लिपस्टिक्स है हाफ एंड हाफ की, इस पर भी सेपरेट फुल रिव्यू स्वॉचेज है, तो आप वो देख सकते हो। मैं एक शेड फिर भी स्वॉच करके बता देती हूँ आपको, मुझे रेड शेड्स इतने पसंद है ना, इसलिए आई हैव टन्स ऑफ रेड शेड्स, सो यू कैन सी अच्छी है, डिसेंट सी लिपस्टिक्स है, पिगमेंटेड है, अफोर्डेबल है। मैंने ये एक लिपस्टिक ख़रीदी थी LA कलर्स की, एंड इसका शेड है फूशिया काइंड ऑफ समथिंग, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये लिपस्टिक लाइक 400 की है, बट उस हिसाब से इसकी क्वालिटी ओकेश लगी मुझे, इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी, इसलिए मैंने एक ही शेड लिया इसका, एंड कभी इसका वीडियो भी नहीं बनाया एंड वीडियो में यूज़ भी नहीं किया, बट इट्स अ डिसेंट लिपस्टिक, मैट है प्रॉपर। देन इस बॉक्स में सिर्फ LA Teen की लिपस्टिक्स बच जाती है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 LA Teen की मैट रेंज की लिपस्टिक है, बाकी ये सब क्रीमी रेंज है। तो ये एक शेड है, आई टोल्ड यू आई वॉज ऑब्सेस्ड विथ ऑरेंज, तो ये शेड है कोरल डोज, या इट्स अ रियली नाइस शेड। एंड एक और ये शेड है, ये है मॉव डेट, ओप्स, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट ये जो लिपस्टिक्स है वो क्रीमी मैट है, एकदम कम्प्लीटली मैट फिनिश नहीं देगी आपको, बट स्टिल 100 रुपये में बहुत अच्छी लिपस्टिक्स है। ये कुछ एक मेरे पास जो है क्रीमी लिपस्टिक्स है इनकी, मैं इनका सबका तो स्वॉच नहीं देती हूँ, बट इन टोटल मेरे पास 5 लिपस्टिक्स है ऐसी वाली। ये मेरी मॉम का फेवरेट शेड है, क्रिम्जन रेड, बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड है, एंड बस इसमें 5 है जिसमें से मुझे एक नहीं मिल रही है, ये पूरी टूट चुकी है, ब्लशिंग पिंक, ये कलर एक टाइम पे मुझे इतना पसंद था, हाउ कुड आई स्वॉच, सॉरी, तो फ्लैश बंद हो गया। ये शेड भी काफ़ी अच्छा सा शेड है। और नेक्स्ट आई हैव दिस
शेड, ये एक रेड सा शेड है। आई डोंट नो, मैंने ये ज़्यादा यूज़ ही नहीं की है लिपस्टिक्स। चलिए अभी हम ये वाले बॉक्स पे मूव ऑन करते हैं। तो इसमें ये तो सब मेरी मेबलिन की लिपस्टिक्स है। मेबलिन लिपस्टिक्स आर वन ऑफ माय फेवरेट। तो ये जो है ये तीन मेरे पास लोडेड बोल कलेक्शन की, अगेन वीडियो बनाना था बट पॉसिबल ही नहीं हुआ, तो मैं सबका तो स्वॉच नहीं देती हूँ। बट ये एक मेरा फेवरेट शेड है, इसका नाम है रास्पबेरी 11 शेड नंबर। तो इसका मैं आपको स्वॉच दे देती हूँ। दिस इज़ माय वेरी वेरी फेवरेट शेड। तो आप देख सकते हो मैंने फ्लैश इसलिए बंद कर दिया ताकि आप नेचुरल लाइटिंग्स में सारे शेड देख सको। एंड ये शेड है बेरी बॉसी एंड ये शेड डायनामिक रेड है। आई नो ये फोकस नहीं कर रहा है, इट नीड्स टाइम टू फोकस। तो ये तीन लोडेड बोल कलेक्शन की है। देन आई हैव दिस टू फ्रॉम देयर क्रीमी मैट रेंज। तो ये वाला है शेड टच ऑफ स्पाइस, माय फेवरेट, एंड बहुत सारे वीडियो में मैंने ये यूज़ कर रखा है। इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूड शेड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड डीपर डस्की स्किन टोन पे तो ये बहुत अच्छा लगता है। फिर ये एक शेड है ऑल फायर्ड अप, जो ये वाले शेड से काफ़ी सिमिलर है बट थोड़ा सा नियोनी साइड पे है। ये लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है, पिगमेंटेड होती है एंड अफोर्डेबल भी। सो या एंड ये तीन जो है ये मैंने कौन सी रेंज में ली थी आई डोंट रिमेम्बर, आई गेस दो पाउडर मैट रेंज की थी एंड एक जो उन्होंने इंटीमैट रेंज निकाली थी उसमें से थी। सो दीज आर पाउडर मैट्स एंड पाउडर मैट। यस, इंटीमैट कलेक्शन में भी उनके दो वेरिएंट्स थे। ये वाला जो शेड है टच ऑफ न्यूड, ये पिंकी न्यूड शेड है। आई लव दिस शेड एज वेल, आई एम अ न्यूड फैन ना। एंड अगेन ये वाला जो शेड है वो मेक मी ब्लश है, इसका भी मैं एक स्वॉच दे देती हूँ आपको। दिस इज सच अ प्रिटी कोरली न्यूडी शेड, अगेन न्यूड्स न्यूड्स न्यूड्स। एंड ये एक शेड है टोस्टेड ब्राउन, ये इंटीमेट रेंज का था। तो या एंड अब बची है ये एक मेबलिन की कलर शो लिपस्टिक। तो ये मेबलिन की कलर शो मैट लिपस्टिक नहीं है, इसमें मेरा शेड है चॉकोलाते, अगेन अ न्यूड वन। ये क्रीमी रेंज की है, इट्स नॉट अ मैट लिपस्टिक बट ये काफ़ी ज़्यादा मॉव टोन पे है। आई थॉट ये थोड़ी सी यू नो चॉकलेटी टाइप ब्राउन शेड होगा बट इट्स अ मॉव शेड, तो ये मुझे ठीक ठाक लगती है। एंड ये जो दो लिपस्टिक्स है ये लोटस की लिपस्टिक्स है, इस पर भी अगेन मुझे रिव्यू करना था बट कितने वीडियोस पेंडिंग है ना गाइस। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ पे रिव्यू देखना है ना किसी भी लिपस्टिक पे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली करूँगी। इसमें मेरा शेड है ये चेरी ऑन टॉप एंड ये शेड है ऑरेंज ड्रीम। तो अगेन ऑरेंज ऑब्सेशन, यहीं पे मैं स्वॉच करती हूँ। ये लिपस्टिक्स मुझे इतनी क्रीमी नहीं लगती है बट यार डेफिनेटली दे आर पिगमेंटेड एंड मैट फिनिश है। चेरी ऑन टॉप मुझे लगा था कि एक रेड शेड होगा बट इट्स अ मॉव शेड एंड मुझे मॉव शेड्स इतने पर्टिकुलरली नहीं पसंद है। सो या यू कैन सी दिस लुक सो सिमिलर टू यू नो चॉकोलाते फ्रॉम मेबलिन। ये लिपस्टिक्स थोड़ी महंगी रेंज पे आती है बट मुझे इसकी पैकिंग काफ़ी क्यूट लगी थी तो मैंने जस्ट इसे ट्राई दिया है। एंड मेरे पास ये एक ही लैक्मे की लिपस्टिक है, लैक्मे एनरिच मैट लिपस्टिक इन द शेड OM10। ये एक बहुत ही सुंदर न्यूड शेड है गाइस एंड डीप डार्क स्किन टोन के लिए बहुत ही बेस्ट है। एज यू कैन सी थोड़ा सा इसमें ऑरेंज हिंट है बट मैं इसे जो लाइट न्यूड लिपस्टिक्स होती है ना उसके अंडर वेयर करती हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड देन मेरे पास गाइज ये तीन कलर बार की लिपस्टिक्स है, येस तीन है एंड एक मैंने कहीं और रख दी थी, ये बॉक्स में थी एक। तो ये तीन लिपस्टिक्स है मेरे पास, इसका भी वीडियो करना था बट हुआ ही नहीं। तो ये हॉट 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 फर्स्ट शेड, ये काफ़ी प्रिटी रेड शेड है, सारे स्किन टोन्स पे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो ये दो शेड है ये है सल्ट्री पिंक एंड ये है डीप फैंटेसी। डीप फैंटेसी फैंटेसी मुझे अच्छा लगता है एंड ये कुछ एक दो शेड्स के बीच में आता है। एंड ये जो सल्ट्री पिंक शेड है इसका मैं स्वॉच दे देती हूँ, अगेन इट्स अ बेरी शेड। मुझे बेरी शेड्स नहीं पसंद एंड आई हैव सो मैनी बेरी शेड्स।
सो गाइज यही था आज का हमारा लिपस्टिक का कलेक्शन वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड कुछ ही टाइम में लिक्विड लिपस्टिक का भी वीडियो आएगा पार्ट टू, तो आप वो ज़रूर देखना। एंड अगर वो वीडियो आ जाता है तो मैं उसका लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे दे दूंगी।